देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल, आप देखत हो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। नमस्कार। बात के शुरुआत करथन कि आपके जिन प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ ले हुई से? हमारे गांव पार्वतीपुर पर थे। अच्छा। ये पहले सरगुजा जिला में रहे से, अब वो हो गए से सूरजपुर जिला। अच्छा। सूरजपुर जिला के प्राथमिक शाला में जो है पार्वतीपुर में प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई है। और आगे के फिर कैसे करें? आगे फिर माध्यमिक शाला के जो जयनगर है, हाँ, वहाँ कुछ पढ़ाई हुई से, फिर वहाँ से क्रीड़ा शिक्षा पर मोर सिलेक्शन हो गई। अच्छा। तो ओमे फिर हम सूरजपुर चले गए। हाँ। सूरजपुर में मैं नेहरू छात्रावास में रह के वहाँ से पढ़ाई मिडिल के हुई। फिर हाई स्कूल पर हम अंबिकापुर सेंट जेवियर्स। हाँ। और हाई स्कूल सेंट जेवियर्स से करे के बाद कॉलेज वहाँ पर अंबिकापुर पीजी कॉलेज। हाँ। फिर आगे निज प्राइवेट का भी। तो यही प्रकार से हमार शिक्षा दीक्षा हुए है। हाँ। कोनो ऐसा शिक्षक जिन आपला चाहे स्कूल टाइम में कहन चाहे कॉलेज के समय में कहन, जिन आपला हमेशा जिन्हें प्रेरणा देत हुई या आगे बढ़ाए पर प्रेरित करत हुई? प्राथमिक स्तर से लेकर के और उच्च शिक्षा के बीच में, हाँ, अनेक पड़ाव आईस। और वो पड़ाव में प्रमुख रूप से जो प्रारंभिक शिक्षा के दौर में, हाँ, हमारे एक गुरुजी रहिस श्री राम कुमार बैगा। अच्छा। वो रहे वाला रहिस शहडोल जिला के। हाँ। और ओकर हैंड राइटिंग बहुत अच्छा रहे। अच्छा। और जो बहुत स्ट्रिक्ट रहे वो जो होमवर्क दे और ओके चेक करे माँ पहाड़ा बहुत ओके कंठस्थ चाहत रही। और जो कहीं भी अगर आप लोग पहाड़ा पूरा याद आ होती रही नहीं होती पूरा ओके देख के आदमी लोग पहाड़ा याद हो जाते रही, इतना वो पिटाई पड़त रही। कनेर के छड़ी रखत रहीस। हाँ। और जो भी होमवर्क ला पूरा करके नहीं आते रहिस तो के वो कनेर के छड़ी पड़त रहिस। तो स्वाभाविक रूप से है कि जहाँ के जैसा व्यवस्था रहते वैसे फिर आदमी प्रिपेयर्ड होकर के जाते। ठीक है। तो स्कूल में तो पढ़ाई के प्रति होकर पूरा तटस्थ रही से पूरा कड़ाई के साथ पेश आए। हाँ। साथ में अगर परीक्षा पहुँचा थे तो तैयारी नहीं हो पाते तो अपन जहाँ डेरा रहिस मुँह घला हो बुला करके तैयारी करवाए। और जितना वो कड़ाई करते रहे उतना मेहनत खुद भी करते रहे। आपके राजनीति में प्रवेश कैसे हुए? आप राजनीति में कैसे आए? जब मैं हाई स्कूल में सेंट जेवियर्स में पढ़ते रहूँ, हाँ, तो हमारे यहाँ के एक सांसद रही से प्रवीण कुमार प्रजापति जी, वो हमारे स्कूल में मुख्य अतिथि बन के आ रही से। और स्टेज से जो स्पीच देत रही से, हाँ, सहज आकर्षित करत रही से कि मैं आकलन करके देखा था कि एक जगह में मैं कब खड़ा होकर के एक टाइप से बोली हूँ। हाँ। और बहुत सारा चीज जो आसपास में घटना घटते और प्रभावित करते। साइकिल जिन है आप कैंची चलाए कि नहीं चलाए, कैसे सीखे हो साइकिल? साइकिल भी दूसर लही देख के सीखे हन। हाँ। और पहले चाहे कभी कहा लेकर मन सीधा साइकिल सीखते हैं, एक समय इसलिए पहले आदमी कैंची सीखे कैंची। हाँ। मैं भी कैंची सीखे रहा हूँ। हाँ। कैंची साइकिल सीखे रहा हूँ। और स्कूल जाए पर जो है साइकिल की ज़रूरत पड़े। हाँ। तो कभी एक वो जमाने में साइकिल भी नहीं रहे तो दूसर दूसर कर मांग के। हाँ। जो कैंची में बीच में वो डाल के डाल के। हाँ हाँ। तो वो भी यादगार
पल है जी। जब साइकिल सीखे रहन तब के, और स्कूल जाए पर हमार स्कूल जयनगर में मिडिल स्कूल हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर लगभग पड़तरीस गांव से। तो पहले शुरू शुरू में पैदल जाते रहे, तो बाद में एक पुराना साइकिल खरीद के हमके देहल गई हमारे पिताजी के तरफ से। तो वो जब सीख गए तब फिर दूसरा साइकिल मिली। मोटरसाइकिल कौन सा साल में मिली फिर आप? मोटरसाइकिल ये 95 के आसपास। अच्छा, 94-95 के आसपास मोटरसाइकिल। खबर कि जब मोटरसाइकिल मिलते तो बड़ा क्रेज रही थे आदमी वाला, शुरू में धोते उमा नाम तक को लिखवाते अपन, और उमा घूमे के अलग ही आनंद रही थे। मोटरसाइकिल में घूमत रही नहीं आसपास आप? मुझे याद है कि जब कॉलेज की पढ़ाई से निकले रहन और मोर शादी हो गई से, तो सेल्फ स्टैंडिंग पर भी बहुत जरूरी रही इसके कोई काम हम अपन से करन। तो LIC के एजेंसी रही मोर पास, एजेंट बने रहूँ पहले। अच्छा, तो उमें विभाग से निकले रही परीक्षा ले रहे हैं, तो फिर वो कुछ मतलब स्कॉलरशिप मिले रही, तो उनमें से स्टार्ट करके और मैं करते करते मैं करोड़पति एजेंट वो समय बन गए रहे। अरे वाह। और अच्छा एक कमीशन मिले लगे रही, तो संबंध भी अच्छा बनते, अच्छा संबंध भी बनते, और लोग मन के साथ कैसे आपके उनके व्यवहार होना चाहिए, कैसे लोग मतलब इंटरेक्शन करना है उनके साथ, ये सब बात हर सीखे के अच्छा मौका रहते, और साथ में आर्थिक रूप से भी सपोर्ट मिलते, सपोर्ट मिलते और अपन जिम्मेदारी के भी एहसास होते कि आप जेकर मदद करते हो वो आपके साथ हमेशा जो है कि एक विश्वास के आदान प्रदान होते। तो वो में भी मुके जो है जो पैसा मिले वो में कभी रैली में कभी सभा में वो पैसा लगे मैं खर्चा करा दे हूँ, तो राजनीति की तरफ से जब तो मोटरसाइकिल वही पैसा से ले फिर आपका ओकर पहले ले रहे हो आप? नहीं, वही पैसा से ले रहा हूँ, मोर पिताजी में जो है वो भी पुरान ले रहा हूँ मैं। तो भौजिल घुमाए नहीं घुमाए हूँ मोटरसाइकिल में? ससुराल जा रहे हैं तो वही में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, इंप्रेशन पड़ा थोड़ी दमान आए भी अब मोटरसाइकिल में आए हैं। नहीं तो मैं जब ले रहा हूँ तो मोर से स्कूटर ला भी कई जन मांगे हैं। अच्छा, कि आज मोर मित्र मंडली में भी कि ससुराल ससुराल जाना रहे तो मोर स्कूटर ला मांगेगा, थोड़ा थोड़ा स्कूटर दे भाई थोड़ा सा जाना है, तो वो चीज़ से मैं गुजरे रहा तो मुझे भावना मन लोग मन के याद रहे, तो मैं बांटत भी रहूँ अपन गाड़ी ला जी। माँ बाबूजी के बड़ा योगदान रहते हर व्यक्ति के जीवन में, बाबूजी से जुड़े कोनो बात बताओ आप अपन। मोर बाबूजी जो है वो कॉलरी एम्प्लॉय रहे जी। और बहुत कड़ा मेहनत और बहुत अनुशासित, वो जो है कोई चीज़ के भी अपव्यय बिल्कुल पसंद नहीं करे, वो हमेशा मेहनत करना और सीधा काम से काम मतलब रखना उनका काम रहे, और अगर वो उनका ड्यूटी के टाइम से आए के बाद फ्रेश बच्चे में सीधे खेत पहुंच जाए और गाय बैला ये सब मन के भी सेवा करे मगर बहुत मन रही से। कैसे समझाए आप राजनीति तरफ बढ़त रहे आप, ऐसे तो LIC चालू करे आप राजनीति तरफ बढ़त रहे, तो बाबू जी पूछे नहीं हम देख के जा भाई राजनीति थोड़ा अलग चीज है, से बाबू जी इस तरफ से कुछ समझाई शापला ये मामला में जरूर कुछ बोले लेकिन पूरा मदद सपोर्ट करे मुके। अच्छा, ओकर सीधा सीधा अगर कोई आंदोलन चलत रही से कई बार तो जोन दुकान से उधारी सामान आए राशन तेल मसाला इकट्ठे जब पेमेंट हुए तो कोनो कोनो महीना में बढ़ जाए तो फिर वो हमारे पिताजी पूछे उनका से भाई मैं तो इतना सामान नहीं ले रहा हूँ कैसे जो आंदोलन तोर बेटा ले गिरीस आलू ले गिरीस प्याज ले गिरीस तेल ले गिरीस चावल ले गिरीस जो मुँह से पूछा है कहते ले गए करे बोले हाँ वो फलाना देखा हड़ताल रही तो खाना की व्यवस्था नहीं से ले गए एक बार पूछतेस नहीं थे अपने से कर लेतेस बस इतना ही बोले लेकिन पूरा का वो भुगतान अपने से कर दे हुए और
कभी ये बात पर मोला जो है परेशान नहीं होना पड़ी जी। अगर कहीं मैं आंदोलन के नाम से सभा के नाम पे अगर लोग मतलब खाना खिलाए के नाम पे उनकर नाम से उधारी में भी मैं सामान उठा लूँ तो पैसा लपटा दे प्लीज। माँ से जुड़े कोनो बात हमें माँ के रोल तो अलग ही रहते और हमेशा प्रेरित करते संरक्षित करते जी। जब पिताजी ज़्यादा कड़क हो जाते तो माँ सपोर्ट करते हैं। हाँ तो कई बार ऐसा अवसर ऐसे कि जब पिताजी ज़्यादा तटस्थ हो जाए तो माँ जो है सपोर्ट में आवे और एक दारी 90 के दशक में जब विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ा रहे हूँ उस समय स्टूडेंट रहे ज़्यादा मुके भी समझ रही थी नहीं लेकिन लोकप्रियता बहुत रही थी कि जहाँ जहाँ वहाँ पूरा लोगों के हो जाए तो उस समय अब मोर पत्नी है रोका रही से मुके चुनाव लड़े से। अच्छा और मोर माँ से पूछन कि माँ मैं लड़ जाऊँगा चुनाव तो रोकीस नहीं बोलीस जा लड़ जा कोई बात नहीं है जो है जीतबे तब भी ठीक है नहीं जीतबे तब भी ठीक है तो बिना तैयारी के मैं लड़ गया रहूँ और तब से वहाँ से सीख मिली इसकी लगभग 10,000 वोट मिले जिसे मैं इंडिपेंडेंट लड़ गया रहूँ। बाद में फिर कांग्रेस में मैं सक्रिय होकर के चुनाव यहाँ कई पद में रह के फिर एक समझ आदमी नेता बात है जब कोई गलती करते या वो मैदान में आते तो करो कोई अनुभव होते तो वो समय के जो जोश में रही सो बाद में अनुभव के रूप में काम आई सो आज भी वो पुराने साथी मन के याद हैं जो शुरुआत के समय में एक मदद करे रहने और चाहे वो आंदोलन में की बात हो चाहे वो चुनाव की बात हो जी। चाहे वो प्रारंभिक दौर की बात हो बहुत सारे ऐसा मौका है जिसमें कि जो साथी मन रहे उनके आज भी याद आते हैं। माँ के बनाए कोई ऐसा भोजन जिन्हें आप लोग बहुत पसंद आते जिन आप हमेशा आपकी स्मृति में है कि हाँ ये बहुत अच्छा लगा है वो स्वाद कहूँ नहीं मिला जिन माँ बनाते वैसे भी जिन माँ बनाते अपन आप में अद्भुत रही थे लेकिन आपके माता राम के द्वारा कौन सा जिन बनाए चीज़ जिला हमेशा याद करता हो। माता जी हमारे यहाँ सबसे पहला जो भी सीजनल वो आए हो सबसे पहले जैसे हमन के यहाँ एक महुआ के वो बनते अच्छा महुआ के लाटा बनते अच्छा और महुआ के बोला बोलते हैं महुआ के रसोड़ा बनते हाँ। और जो देसी स्टाइल में आप मन पुआ खाए हो नहीं खाए हो वो उड़द गला फुला के अच्छा और ओके पीस के हाँ। एकर बाद ओकर चावल के आटा ला मिला के जो पुआ बनाते हैं बहुत मुलायम और जबरदस्त स्वादिष्ट वो केवल मोर माँ हर बनाते रही मोर यहाँ बाद में तो नया स्टाइल में और नया वो में बनाते हैं वो भी ठीक है लेकिन वो जो स्वाद है वो स्वाद मन हर आज भी याद आते आप याद लाते हैं। ये जतका आप बताए जिसे जिन हिसाब से बनते पुआ ये टाइप के पूरा महुआ के जिन हिसाब से आप बताए तो आप लोग बनात भी आते का मैं एक बनाए पर तो साथ में रहते तो बन जाते अकेला तो नहीं बनाया हूँ हाँ। लेकिन जब भी मैं घर में हमेशा मैं बड़ा लड़का होए के नाते माँ हर कोई भी काम रहे तो मौके बोले कि एला ऐसे करना है ओला ऐसे करना है तो जैसे जो घर में लड़की नहीं रहते हैं तो वो उनका यहाँ के लड़का मन जो है घर के काम में भी परांगत हो जाते हैं हाँ। तो मोर यहाँ कोई बहनी नहीं रही हाँ। तो
माँ के हमेशा जो भी काम रहे तो मैं मन हाथ बटावत रहे। बहुत अच्छा। आपके बिहाव कौन सा साल में हुई? मोर बिहाव 14 फरवरी 1989 के। अरे अच्छा, तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन आपकी बिहाव हुए। हाँ, ये बड़ा यादगार मोर पर बिहाव है। हाँ। कि ये वैलेंटाइन डे तो बाद में आई से। ठीक कहा तो जौन समय हमारे शादी हो रही सो में वैलेंटाइन डे इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो रही। तो जब भी आपके मैरिज एनिवर्सरी आती तो लोगों तो कहते वैलेंटाइन डे के दिन जिन्हें मैरिज एनिवर्सरी पर आती की। आज भी सब बड़ा एकर बधाई दे वाला मन के और हल की रोमांचित होकर के बधाई देते हैं कि आप मन ला कैसे मालूम रहे इसकी वैलेंटाइन डे 14 फरवरी के होते। तो हमके तो उस समय वैलेंटाइन डे के इतना चलन रहीस नहीं। हाँ। तो बाद में ज़्यादा हर प्रसिद्ध हुई से। हाँ। वैलेंटाइन डे वही समय आप राजनीति में प्रवेश करत रहे, वही टाइम बिहाव हो गया, दो बहन तो पूर्ण काम करत रहे हो आप, तो कैसे समझाते रहो धर्म पत्नी ला? एक बड़ा कठिन काम रही से समझाना। हाँ। लेकिन वो समय के जो वक्त रहीस। हाँ। जोश से भरल रहीस कि नया नया आप मन जो है अगर कॉलेज से निकला था और वही समय विवाह हुआ थे और जिम्मेदारी के भी एहसास है और बाकी आगे और कैसे काम संभालना है ओकर बार भी आप जूझे भरा चीज पर तैयार हो। हाँ। तो उस समय के जो पीरियड रही से वो बड़ा यादगार है। तो आप धर्मपत्नी ला धन्यवाद भी देना चाहिए आप ला कि भाई हर कदम आपके साथ रही ना। आप राजनीति के आज आप मंत्री भी हो और आंदोलन से लेके मंत्री बने तक यदि भागीदारी देखा जाए भौजी की बड़ा भागीदारी है। हाँ, बात तो है कि वो जैसे मोर अभिन्न सहयोगी के रूप में मोर पत्नी हर रही से हर संघर्ष के दौर में भी शुरुआत से हर संघर्ष ला साथ में हम झेले हैं और यहाँ तक आए में कई ओकर योगदान हुआ है। फिल्म आप देखते हो कि नहीं देखते? देखता हूँ। कौन सा आपके टाइम के कौन सा हीरो आपके फेवरेट हीरो रही से ये जबरदस्त लगते हैं? हीरो तो अमिताभ बच्चन हर ही। अमिताभ बच्चन कौन कौन सा पिक्चर देखा आप अमिताभ बच्चन के? अमिताभ बच्चन के लगभग वो समय जो भी फिल्म लगे वाला देखे पर जाते रहे उस समय। कौन ऐसा गाना जिन आप ला चाहे संघर्ष के दौर ले लेके आज तक के हम बात करें कोई ऐसे गाना जिन आप हमेशा अच्छा लगी कोई गीत जिन आप हमेशा प्रेरणा दी कोई गीत जिन आप छू जाए आपके दिल ला? फिल्मी वाला में तो गाना में क्रांति के गाना है आज से अपना ये वादा रहा मिलेंगे हर एक मोड़ पर। बहुत बढ़िया गाना है ना वो गाना अक्सर हमन सुनत रहनो के। पारंपरिक जिन खेल है जिन आजकल तो लेकर मन शहर में तो कम कर दें लेकिन पारंपरिक जिन खेल है हमारे पहचान तक वो हुआ तो आप पारंपरिक खेल खेलते नहीं खेलते हो अपन समय गाँव? ये बात ला आप अच्छा पूछे हो। मैं कबड्डी के और फुटबॉल के खिलाड़ी रहा हूँ जी और दो टर्निंग पॉइंट आए रिस दोनों खेल में। अच्छा। एक बार गांव के स्कूल में हमन रहन चौथी में तो पांचवी के लड़का मन के साथ इंटर क्लास हुआ दरी से। अच्छा। तो पांचवी लड़का मन बड़े बड़े रहन। हाँ, चौथी से बड़े हो गए। अब सब जनला जो है वो आउट कर डाले रही एक जन में बचे रहे। अच्छा। और तो मैं बोलते रहूँ कि भाई थोड़ा सा हमारे साइज के हिसाब से भेजो। हाँ। लेकिन वो सबसे बड़ा जो खिलाड़ी रही लंबा और उम्र में ज़्यादा ओके भेज दें। मैं कभी ओ कोना में भागूँ कभी ओ कोना में भागूँ और मुँह के दौड़ा है तो फिर छू के मुँह के जब जात रहीस तो मैं पीछे से ढकेल के ओकर ऊपर चढ़ गया। वो गिर गईस और जो जहाँ तक ओके जो निशान रह ओके छूना रहीस वो नहीं छू पाईस और सबसे बड़ा मजबूत खिलाड़ी वही रहीस ओला मैं जब आउट कर दे हूँ तो मोर टीम फिर एक जन आ गईस फिर दूसरा आ गईस मोर टीम हर जीत गई। अरे वाह
बहुत जबरदस्त बात बताया, बहुत बढ़िया। और दूसरा रेस फुटबॉल में, मैं सेंट जेवियर्स स्कूल में जब पढ़ा रहा हूँ वहाँ अंबिकापुर में, तो नाइन्थ और टेंथ के बीच में मैच रेस फुटबॉल के, तो मोर नाम का मैं टीम में नहीं डाल रही। अच्छा, हाफ टाइम हो गई रेस और कोनो गोल कोनो तरफ से नहीं हो रेस, तो हाफ टाइम में एक जन से मैं जबरदस्ती करके ओकर ड्रेस लौतरवा के मैं पहने, और जब मैदान में टीम उतरी तो मैं उतर गया, बाकी जन थकर रहे मैं फ्रेश रहे हूँ। और जैसे गेंद मिली तो पहला गोल मैं मारे रहा हूँ और मोर टीम हर जीत गई रही। वाह, बहुत बढ़िया। तो बाद में गुरुजी मन आपत्ति भी करी, नोन मास्टर मन किसका नाम तो था नहीं है कैसे, हाँ बोले वो एक्स्ट्रा प्लेयर में था। हाँ। तो ये दो घटना हर मुख्य याद है जे में अपन टीम ला जीता है मोर योगदान रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके प्रयास से मंदरा जी जिन छत्तीसगढ़ी फिल्म है टेन टैक्स फ्री हुई, एकर पीछे का सोच है आपके? देखा हमेशा व्यक्ति ला लाभ के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, भावनात्मक भी सोच होना चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी हो, अगर कोई कलाकार हो जिसका जीवन संघर्ष से भरा हो और प्रेरणादायी हो, तो उसके लिए अगर कुछ कर पाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, और हर व्यक्ति को इस दिशा में सोचना भी चाहिए। बहुत सही है। आप छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री हो, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के प्रचार प्रसार और यहाँ के कलाकार मन आगू बढ़ें, यहाँ के कलाकार मन के कलाकारी और आगे तक जाए, देश विदेश तक जाए, ओखर बार आप का सोचे हो? पहली बार ऐसा मौका आया है कि छत्तीसगढ़िया प्योर छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हैं, जेकर रहन सहन जेकर जीवन शैली सब में छत्तीसगढ़िया झलक है, छत्तीसगढ़िया रंग है, बोली से लेके ओकर हर क्रियाकलाप लगते कि हमारे बीच के आदमी हो, अपनापन के एहसास सहज ही कराते। हरियाली त्योहार के छुट्टी, फिर तीजा के छुट्टी, आदिवासी समाज पर उनके विश्व आदिवासी दिवस में छुट्टी, तो जेकर पर लोग मन संघर्षरत रहिन बहुत दिन से, उमन ला बिना उमन के मांगे वो चीज़ ला सरल और सहज उला उपलब्ध करा के लोग मन के दिल जीत ली से, तो मुके ये बात के बहुत गर्व है कि और खुशी है कि यहाँ के संस्कृति, यहाँ के कला और यहाँ के विधाला संरक्षित करना, ओके विकसित करना और नई ऊंचाई तक ले जाए के जो जिम्मेदारी है मोला माननीय मुख्यमंत्री जी हृदय से, तो मैं ओकर पूरा कोशिश करूं कि छत्तीसगढ़ के जो घटा है, यहाँ के जो छटा है, यहाँ के जो गीत है, यहाँ के जो संगीत है, यहाँ के कलाकृति है, वो देश और विदेश तक ओकर छाप हर जाए और पहचान हर जाए। यहाँ जिन कलाकार है उमर बहुत खुश हैं जब ले आप छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री बने, काबर कि आप बहुत संवेदनशील एक राजनेता हो, सब चीज़ ला बहुत अच्छा समझता हो, उन ला बहुत उम्मीद है, उन कलाकार मन ला आप हमारे माध्यम से का कहना चाहो? मैं सब झल्ला हमारे भाई बहनी मल्ला जो यहाँ के कलाकार हैं मल्ला ही संदेश देना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ के कल्चर ला, यहाँ के संस्कृति ला, यहाँ के कला ला हमें ला संरक्षित रखना है और एक नई ऊंचाई तक ले जाना है। और अभी जो नया एक हमर मन के सोच है कि सब ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे
एक मिनी थिएटर हमन उपलब्ध कराए के व्यवस्था करे के अभी मुख्यमंत्री जी से हमर मन के बातचीत चलत है। उहर जब हो जाही तो बहुत अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय सिनेमा है फिल्म है मतलब भी एक मार्केट मिली और हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा के भी हमर सिनेमा ला मार्केट मिली, लोग मतलब अवसर मिली। भगत जी आपसे बहुत सुंदर सुंदर बात हुई, बड़ा अच्छा आप अपन पुराना स्मृति के बारे में बताए, बहुत अच्छा संदेश हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार मन ला देव। आप देसी टॉक में आए एक बार बहुत बहुत आपके आभार, धन्यवाद। नमस्कार। अगला हफ्ता में फिर लाऊ चारों मुड़ा के बात अपन देखत रहो देसी टॉक, अपन बात अपन अंदाज। सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस में।